गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नवंबर 23 अटेम्प्ट की आरटीपी डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मोर और लेस आईसीआई के मॉड्यूल में से हैं या वीएसआई की बुक्स में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आप ढंग से कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हैं। हम उसको क्विक डिस्कशन करते हैं और हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल रहे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। देखिए, जो आपकी नवंबर 23 के आरटीपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रेशो से है, वो आपके रेशो एनालिसिस से है। ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ फाइनेंशियल रेशोज ऑफ प्रभु केमिकल्स लिमिटेड कमेंट ऑन वेरियस रेशोज गिवन एट द एंड। देखिए, रेशोज से किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म आपकी सोलवेंसी पोजिशन जिसको लिक्विडिटी की पोजिशन कहते हैं, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी की पोजिशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथनेस, फाइनेंशियल वीकनेस, इसके बारे में हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो गिवन रेशियोज हैं, इन गिवन रेशियोज की हेल्प से हमारे को कमेंट करना है। और इसके साथ साथ आपको जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके भी रेशियोज दिए हुए हैं। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री का पार्ट होती है, जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री का पार्ट होती है। तो इस गिवन क्वेश्चन में आपको दो साल के रेशियोज दिए हुए हैं 2021 और 2022, और इसके साथ एवरेज आपकी जो इंडस्ट्री का रेशियो है वो भी आपको गिवन है। देखिए, क्वेश्चन में जो लिक्विडिटी रेशियोज है, करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में आरओआई दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है और एक आपका रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, कमेंट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ प्रभु केमिकल्स लिमिटेड। जो प्रभु केमिकल्स लिमिटेड है वो केमिकल इंडस्ट्री की एक फर्म है। आपको पता है कि बहुत सारी सिमिलर नेचर ऑफ फर्म्स मिलके इंडस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करती है। आपको लिक्विडिटी पे कमेंट करना है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर कमेंट करना है, फाइनेंसिंग पे कमेंट करना है और रिटर्न टू शेयर होल्डर पे कमेंट करना है। देखिए, अगर अपन लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये आपको अच्छी तरह से पता है। जब हमने रेशियो को कवर किया था उस समय भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडिटी पे कमेंट करते समय आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और पेबल्स टर्नओवर रेशियो का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर अपन वन बाय वन इन रेशियोज का एनालिसिस करें, करंट रेशियो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है और मोर और लेस वो इंडस्ट्री से मैच कर रहा है। आपकी इंडस्ट्री का जो करंट रेशियो है 2.4 है। 2021 में आपका जो प्रभु केमिकल्स लिमिटेड है इसका करंट रेशियो 2:1 था, जो इंप्रूव होके 2.3:1 हो गया। इसी तरह से जो क्विक रेशियो था वो 1.4 से 1.8 ये भी इंप्रूव हुआ है, और जो क्विक रेशियो है वो तो इंडस्ट्री एवरेज से भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो देखिए रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो इंप्रूव हो रहा है। जो रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से इंक्रीज होने के कारण आप देखिए कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हो गया। जहां पर डेटर्स का जो एवरेज कलेक्शन पीरियड था 46 डेज था, अब कितना हो गया 41 डेज। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि पहले लास्ट ईयर में 40 डेज की एवरेज सेल्स डेटर्स में ब्लॉक रहती थी, जबकि इस 2022 में केवल 41 डेज की सेल ही डेटर्स में ब्लॉक रहेगी। यानी जो डेटर्स की अमाउंट है वो डिक्रीज हुई है, डेटर्स में इन्वेस्टमेंट फर्म का डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को देखें तो वो भी इंप्रूव हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंप्रूव होने का मतलब है कि आपका इन्वेंट्री भी रिड्यूस हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के इंप्रूव होने के कारण आपका क्विक रेशियो इंप्रूव हुआ है। इनस्पाइट ऑफ दैट, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के रिड्यूस होने के बाद भी अगर करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज में भी डिक्रीज हुआ है। यानी जो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है वो इन कंपैरिजन ज्यादा डिक्रीज हुई है, जिसके कारण से आपका करंट रेशियो इंप्रूव हुआ है। क्यों? क्योंकि करंट
एसेट के डिक्रीज होने के बाद भी करंट एसेट डिक्रीज कैसे हो रही है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? आप देखिए, आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरल है एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका डिक्रीज हो रहा है। यानी पहले आपके डेटर्स 46 डेज के हुआ करते थे एवरेज सेल्स के, अब केवल कितने दिन के रहने लग गए, 41 डेज के। तो डेटर्स आपके डिक्रीज हुए हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंप्रूव होने के कारण इन्वेंट्री भी रिड्यूस हुई है, और इन्वेंट्री रिड्यूस होने के कारण ही आपका क्विक रेशियो इंप्रूव हुआ है, और सेकेंड ईयर में तो क्विक रेशियो आपका इंडस्ट्री एवरेज से भी ज्यादा है। तो इन्वेंट्री और स्टॉक के रिड्यूस होने के बाद भी अगर आपका करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि करंट लायबिलिटी उसके कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज हुई है। तो हम इसकी लिक्विडिटी की पोजीशन को इंडस्ट्री एवरेज से अगर कंपेयर करें तो एक बेटर या सेटिस्फैक्ट्री बता सकते हैं। इसी तरह से अगर अपन प्रॉफिट्स की बात करें तो अगर हम बात करें तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हुआ है 24% से 21%, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज से हायर है। आपका जो इंडस्ट्री एवरेज है उससे हायर है। सिमिलरली जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी मेंटेन कर रही है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज का केवल 12% है, उससे भी हायर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मेंटेन होने का रीजन यही है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कट करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया है। तो इंडस्ट्री एवरेज से इसकी पोजीशन बेटर है। हालांकि आरओआई रिड्यूस हुई है, लेकिन रिड्यूस होने के बाद भी जो इंडस्ट्री का 18% है उससे ये रेशियो ज्यादा है। अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो जहां पर पूरी इंडस्ट्री एवरेज में 60% फाइनेंस डेप्ट से होता है, डेप्ट रेशियो हायर होना रिस्की होता है। लेकिन अगर अपन इसको कमेंट करें तो डेप्ट का यूज ज्यादा ऑलवेज रिस्की नहीं होता, क्योंकि फाइनल कमेंट करने से पहले हमें ROI देखना पड़ता है, और आप लोग लीवरेज में पढ़ के आए हो, इफ ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट तो लीवरेज फेवरेबल होता है। तो डेप्ट आपका रिस्की है या नहीं है ये फाइनल कमेंट करने से पहले वी मस्ट कंपेयर ROI विद द इंटरेस्ट रेट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ROI तो हमको पता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमको पता नहीं है। आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो आपका डिक्रीज हुआ है 1% से, यानी कंपनी ने डेप्ट को डिक्रीज करके इक्विटी के रिटर्न को इंक्रीज किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसीलिए हुई है कि 26% से 28%, ठीक है। उसका रीजन है, एक तो डेप्ट आपका डिक्रीज हुआ है, और जो इंडस्ट्री एवरेज से है उससे मच बेटर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। देखिए, फाइनल कमेंट करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि रेशियो में कमेंट की कोई फाइनल लैंग्वेज नहीं होती। आपको रेशियो देखना होता है, कंपेयर करना होता है, किससे कंपैरिजन करना है, और गिवन सिचुएशन के बेस पे आपको कमेंट करना होता है, ठीक है। देखिए, ये जो आपका इसका सॉल्यूशन है, अगर हम बात करें इधर देखिए, अगर इसमें अगर हम बात करें ये देखिए, ये आपका इसका सॉल्यूशन है, ये आपका इसका सॉल्यूशन है। देखिए, कह रहा है करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर एंड मैचिंग द इंडस्ट्री एवरेज, क्विक रेशियो आल्सो इंप्रूव्ड देन लास्ट ईयर एंड अबोव द इंडस्ट्री एवरेज मोर और लेस। इसका कंक्लूजन वो ही है जो मैंने आपको बताया था, मोर और लेस इसका सेम कंक्लूजन है भाई, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और रेशियो में कमेंट करने से पहले आप कंपेयर करो किसका क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जीपी रेशियो कम या ज्यादा हो रहा है तो उसका सीधा सीधा रिलेशन या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, या COGS का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया, परचेज प्राइस भी सेम है, फिर मानकर चलिए जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के परसेंटेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। तो आई थिंक इस फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका जो ICI का मॉड्यूल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। मोर और लेस केवल फिगर चेंज है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। अगर आप ICI का मॉड्यूल देखें तो आपका जो ICI मॉड्यूल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोर और लेस उसी की तरह है। देखिए भाई, ये आपसे कह रहा है
जेसन लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज एडिशनल फंड ऑफ 20 लैक्स फॉर मीटिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट प्लान. इट हैज 4,20,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. फर्दर डिटेल्स आर एज फॉलोज. देखिए डेप्ट इक्विटी मिक्स 30 और 70 है, तो अगर 20 लैक है तो 20 लैक का 30% यानी 6 लैख डेप्ट से रेज होगा और 20 लैख का 70% 14 लैख आपका इक्विटी से रेज होगा. यानी जो आपका 20 लैख है टोटल फंड्स आपके 20 लैख रिक्वायर्ड है, इस 20 लैख का जो 30% रेज होगा वो डेप्ट से रेज होगा और इस 20 लैख का जो 70% है यानी 14 लैख वो आपका इक्विटी से रेज होगा. 14 लाख में से भी 4,20,000 आपकी रिटेन अर्निंग अवेलेबल है. आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रिटेन अर्निंग होती है इट्स ए पार्ट ऑफ इक्विटी. तो 14 लाख में से हम रिटेन अर्निंग को माइनस कर देंगे और जो डिफरेंट यानी जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपकी इक्विटी से रेज होगी. तो 14 लाख में से पहले हम रिटेन अर्निंग को माइनस कर देंगे और रिटेन अर्निंग को माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगी वो आपकी इक्विटी से रेज होगी. आगे आपको क्वेश्चन कह रहा है डेप्ट इक्विटी मिक्स आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोल रहा है अप टू 3,60,000 8% है, बियॉन्ड 3,60,000 12% है. तो यार एक बात बताओ, डेप्ट आपने टोटल 6 लाख का लिया, आपने जो डेप्ट लिया वो आपने कितने का लिया, 6 लाख का लिया. तो जब डेप्ट आपने 6 लाख का लिया तो इधर देखिए अगर अपन डेप्ट इसमें पैटर्न ऑफ रेजिंग पूछ भी रहा है तो अगर हम पैटर्न ऑफ रेजिंग कैपिटल की बात करें तो देखिए इसमें जो आपका डेप्ट होगा वो आपका होगा 20 लाख का 30% 6 लाख. और अगर हम इक्विटी की बात करें तो 20 लाख और उसका 70% 14 लाख. ठीक है, आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो आपकी है 4,20,000. तो अगर हम बात करें कि इक्विटी से कितना रेज होगा तो आपका जो इक्विटी से रेज होगा वो होगा 14 लाख माइनस 4,20,000. तो ये आपका हो गया, अगर हम इससे बात करें तो ये आपका हो गया 9,80,000. यानी इक्विटी से कितना रेज करना पड़ेगा, 9,80,000. पहला चाह रहा है कॉस्ट ऑफ रिटेन. फिर आगे देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, आपका अर्निंग पर शेयर 4 दे रखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% दे रखा है, करंट मार्केट प्राइस 44 है, ग्रोथ रेट 10% है और टैक्स रेट 40% है. पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इस क्वेश्चन में कोई भी पर्सनल टैक्स रेट नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो KE = KR हो जाएगी. तो अगर हम यहां पर KE कैलकुलेट करें तो आपका KE हो जाएगा D0 1+G / P0+G. तो देखिए अगर हम D0 की बात करें तो यहां पर अर्निंग पर शेयर 4 है और इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो ₹2 आ जाएगा. ग्रोथ रेट 10% है 1+G. और अगर हम बात करें आपका P0 कितना है, करंट ईयर का प्राइस कितना है 44 और ग्रोथ रेट आपका हो गया 0.10. कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी और ये सेम आपकी रिटेन अर्निंग होगी. फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट चाहता है, तो अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट चाहता है तो इसके दो तरीके हैं भाई. या तो एक काम करो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको इनटू 1-T कर दो और उसको डेप्ट कितना हमारा 6 लाख से डिवाइड कर दो, 6 लाख से डिवाइड कर दो और जब आप 6 लाख से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एवरेज कॉस्ट आ जाएगी. और फिर आपके पास चाहता है पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, तो पैटर्न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. पैटर्न ऑफ रेजिंग जो एडिशनल फाइनेंस है यानी डेप्ट है वो 20 लाख का 30% 6 लाख, इक्विटी है 20 लाख का 70% 14 लाख, रिटेन अर्निंग 4,20,000 अवेलेबल है,
तो जो आप इक्विटी से फंड्स रेज करेंगे, इक्विटी शेयर से जो फंड्स रेज करेंगे वो 14 लाख में से 4,20,000 को माइनस कर दीजिए, 9,20,000, और फिर आपसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सोर्स आपका इक्विटी और रिटेन अर्निंग हो जाएगा, दोनों की कॉस्ट सिमिलर है, चाहो तो अलग अलग दिखा दो और चाहो तो कंबाइंड दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि के एंड के आर इक्वल है। और एक आपका सोर्स हो जाएगा डेप्ट। अगर हम इसको देखें, इधर देखिए, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, D1 अपॉन P0, बेसिकली इसको यहां पर प्लस जी और करना चाहिए। तो देखिए D1 और प्लस D1 को 1 प्लस जी करें तो नेचुरल है तो आपका 2 हो गया, ग्रोथ ऐड करने के बाद 2.2 आ गया, डिवाइड कर दिया मार्केट प्राइस से और ग्रोथ को ऐड कर दिया, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 15%। दूसरा इसने कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल ली 8% को 1-t करके और फिर 12% को 1-t करके, फिर इनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकाला, ये 4.8% 3,60,000 अपॉन 6 लाख, टोटल 6 लाख था, और प्लस 7.2% इंटू 2,40,000 अपॉन 6 लाख। इसका एक दूसरा तरीका भी था, दूसरा तरीका पता है क्या होता, आप एक काम करते 3,60,000 का 3,60,000 का 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो भी आए उसको लिख लीजिए, 3,60,000 का 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 3,60,000 का 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो जब 3,60,000 का 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,40,000 उसका आप कितना निकाल लीजिए, आप इसकी जो रेट है 12% वो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट तो आपको पता है कि जो केडी का एक फार्मूला ये भी होता है, केडी इज इक्वल्स टू आई 1-t अपॉन एनपी इंटू 100। तो अगर आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो आप सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, तो अपन कहें ऑन 3,60,000 एट द रेट ऑफ 8% एंड ऑन बैलेंस आपका कितना हुआ 2,40,000 और वो एट द रेट ऑफ 12%। दोनों इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करिए, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, उस इंटरेस्ट को इनटू 1-t और अपॉन एनपी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, एक मिनट कैलकुलेटर अभी शायद मैं मंगवा रहा हूं, अगर हम इसको कैलकुलेट करें या आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर कैलकुलेटर पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लीजिए 3,60,000, 3,60,000 का 8% ये आपका आ गया 28,800 और जो बैलेंस आपका 2,40,000 है इसका 12%, तो ये भी 28,800। तो अगर इसका टोटल करें तो ये आ गया 57,600। आप कैलकुलेट कर लीजिए 57,600 इंटू 1-t, टैक्स रेट 40% है, अपॉन 6 लाख और इंटू 100। करिए भाई 57,600 इंटू 0.6 अपॉन 6 लाख, ये आपका वो का वो 5.76%। देखिए सेम आंसर आ गया, कोई फर्क नहीं है, आपका सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ रेजिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, 20 लाख का 30% 6 लाख डेप्ट से, 20 लाख का 70% 14 लाख आपका इक्विटी से, इक्विटी शेयर कितने के इशू करने हैं 14 लाख में से, आप रिटेन अर्निंग को माइनस कर दीजिए। अगर 14 लाख में से रिटेन अर्निंग को माइनस कर दिया तो नेचुरल है बाकी आपका क्या बच गया, जितने के हमको शेयर इशू करने हैं। और अब हम इसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, आप चाहो तो टेबल बना के कर लो, इसने वैसे ही किया है। आपका केडी 5.76 है, इसका प्रपोर्शन 30% है,
इक्विटी की कॉस्ट 15% है और इसका प्रपोर्शन 70% है। इसने इक्विटी और रिटेन अर्निंग को एक साथ ले लिया। अगर आप अलग अलग भी लेते हैं तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि केई एंड केआर दोनों आपके इक्वल है। आपका केई एंड केआर दोनों आपके इक्वल है, तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपके आईसीए मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके आईसीए में इलस्ट्रेशन 14 है, सिमिलर क्वेश्चन है, मोर और लेस आपका आईसीआई है, उसका इलस्ट्रेशन 14 है। अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है प्रकाश लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईबीआईटी आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% और 50,000 है। तो अगर 10% से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 है तो इससे डिबेंचर की अमाउंट निकल जाएगी भाई 5 लाख। अगर हम डिबेंचर की अमाउंट की बात करें तो इधर देखिए, ये जो 50,000 का इंटरेस्ट है ये 10% से है, तो आपकी डिबेंचर की अमाउंट हो गई 5 लाख। इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद ईबीटी आ गया, इनकम टैक्स 50% से माइनस किया, ईएटी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 नीचे डिवाइड किया, 25,000 शेयर से अर्निंग पर शेयर आ गया, और पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम यहां पर एमपीएस निकालें, मार्केट प्राइस निकालें, तो एमपीएस आपका आएगा ईपीएस इंटू पी रेशियो, ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो ईपीएस कितना 5 और पी रेशियो कितना है 10, तो ये आपका हो गया ₹50। नेचुरल है, आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹50 है। ऐसा हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर हमें फंड्स इक्विटी से रेज करने हैं तो आपकी करंट मार्केट प्राइस को इश्यू प्राइस लेते हैं, या तो क्वेश्चन में इश्यू प्राइस दे। अगर क्वेश्चन इश्यू प्राइस के बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, इश्यू प्राइस के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें करंट मार्केट प्राइस को इश्यू प्राइस लेना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, करंट ईबीआईटी 3 लाख है, हमने 10% से जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो 50,000 माइनस कर दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स को माइनस कर दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने क्या करा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो अर्निंग पर शेयर आ गया, अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट मार्केट प्राइस इसकी शेयर आ गई, यानी जो प्रेजेंट में मार्केट प्राइस है वो ₹50 है। द कंपनी हैज रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000। तो देखिए 25,000 शेयर है, 25,000 शेयर है, एक शेयर ₹10 का है, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 हो गई, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 7,50,000 है। तो 2,50,000 प्लस 7,50,000 आपकी टोटल इक्विटी हो गई 10 लाख, यानी जो टोटल इक्विटी है वो आपकी 10 लाख है, एंड रिक्वायर्ड ₹5 लाख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन। एक मॉडर्नाइजेशन के लिए 5 लाख की और रिक्वायरमेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसने बोल दिया। अगर ये नहीं बोलता तो भी अपन ये अजम्पशन लेते। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए, अगर एडिशनल फंड रेज करने, अगर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे दे तो हमें उसी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी को लेना है। कई बार एडिशनल फंड की एडिशनल ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन होती है, कई बार एडिशनल फंड्स की एडिशनल ईबीआईटी हमारे को क्वेश्चन में गिवन होती है, तो टोटल जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी बनेगी वो प्रेजेंट ईबीआईटी प्लस एडिशनल ईबीआईटी दोनों को ऐड करके बोलेंगे। कई बार क्वेश्चन मना कर देता है कि एडिशनल फंड्स विल नॉट अर्न इमीडिएट एनी प्रॉफिट, यानी जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएट कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। ऐसे केस में हमको जो ईबीआईटी लेनी होती है वो करंट ईबीआईटी लेनी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, जो चीज मैंने बोली उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें फिर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि प्रेजेंट आरओआई विल बी मेंटेन, यानी जो कंपनी है वो प्रेजेंट आरओआई को मेंटेन करेगी। यहां पर हमको कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसने बोल दिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
ROCE इज कांस्टेंट, हमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम प्रेजेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें तो देखिए आपका 5 लाख का तो डेप्ट है और 10 लाख की आपकी इक्विटी हो गई, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख हो गई कि नहीं हो गई। अरे भाई अगर हम बात करें, इधर देखिए ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, आपका रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000 और आपका 10% ये डिबेंचर, ये आपका हमने कैलकुलेट कर लिया 5 लाख, तो टोटल आपकी कितनी हो गई 15 लाख। और अगर हम ROCE कैलकुलेट करें तो EBIT 3 लाख है और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है इंटू 100, तो ये लीजिए 20%। ठीक है, आगे देखिए ये कह रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, और डेप्ट इक्विटी रेशियो ये बोल रहा है डेप्ट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये डेप्ट इक्विटी रेशियो को इसने डिफाइन कर दिया, डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है डेप्ट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, केवल डेप्ट अपॉन इक्विटी नहीं लेना है, कई बार डेप्ट अपॉन डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड भी बोल देता है, तो शेयर होल्डर्स फंड के केस में हमको प्रिफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सही करने के लिए सबसे सही तरीका यह होता है आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सोल्व करिए। तो ये डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन डेट प्लस इक्विटी बोल रहा है हायर देन 40%, अगर ये 40% से ऊपर हो गया तो पी रेशियो डाउन हो जाएगा 8, यानी पी रेशियो अभी जो 10 टाइम्स है अब वो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, और जो इंटरेस्ट है एडिशनल फंड पे वो 12% लगेगा, 10% की जगह कितना लगेगा 12%। एक कंडीशन दे रखा है कि यदि आपका डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी दिस रेशियो कम्स मोर देन 40%, अगर ये 40% से ऊपर आ जाता है तो एक तो आपका पी रेशियो डाउन आ जाएगा 8 और इंटरेस्ट रेट जो आपकी होगी ऑन एडिशनल डेप्ट 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर। अगर एडिशनल फंड हम डेप्ट से रेज करें और एडिशनल फंड हम इक्विटी से रेज करें, और इक्विटी से भी किस पे रेज करें, रूलिंग प्राइस पे, किस पे रेज करें रूलिंग प्राइस पे, तो अगर 5 लाख के फंड रेज करने हैं और आपकी रूलिंग प्राइस 50 आ रही है तो बताइए कितने फंड रेज करने पड़ेंगे, बताइए कितने फंड रेज करने पड़ेंगे, ये आपको रेज करने पड़ेंगे 10,000 शेयर्स अगर आप इक्विटी से रेज करते हो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, हमें पहले ईबीआईटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है आपका सिमिलर इलस्ट्रेशन 14 है आईसीआई मॉड्यूल का, तो अगर मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करा के अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो देखिए ये वर्किंग नोट है, ये इसके वर्किंग नोट है, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि सभी को डिटेल में, बहुत लिमिटेड टाइम है, आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करने होते, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वीएसआई ने शॉर्ट एंड स्वीट ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज हो सके, क्योंकि यहां पर भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे जोर दे रहे हैं, आपके मार्क्स मैक्सिमम आ सके और सारे सब्जेक्ट को आप वेट देकर पास हो सके। देखिए हम एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले तो इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 शेयर थे, 10 रुपीज की 2,50,000, डिबेंचर 5 लाख, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दिया 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 7,50,000, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख, ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, ये हमने भी कैलकुलेट कर ली 20%, नंबर ऑफ शेयर हमने भी कैलकुलेट कर लिए 10,000 अगर इक्विटी से लेते हैं, तो आपको 5 लाख रेज करने, एक शेयर की प्राइस 50 है, शेयर की प्राइस कैसे आई, हमने ईपीएस को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, जो अर्निंग पर शेयर थी उसको हमने प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करी। ठीक है, तो अगर हम इक्विटी से फंड्स रेज करते हैं तो 25,000 शेयर्स पहले से ही है और 10,000 शेयर्स और इश्यू करने पड़ेंगे तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 35,000, और अगर हम डेप्ट से रेज करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स वो के वो रहेंगे 25,000। तो अब डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर 5 लाख हम किससे रेज कर रहे हैं, डेप्ट से, तो देखिए
ये जो रेशियो आया है इसमें आपके पास 5 लाख का डेप्ट तो पहले ही था और आप 5 लाख का डेप्ट और रेज कर रहे हैं, तो टोटल 10 लाख हो गया। डेप्ट आपका कितना हो गया? 10 लाख, और इक्विटी भी आपका कितना है? 10 लाख। तो ये आपका 50% हो गया भाई, और अगर 50% हो गया इट इज मोर देन 40%, कंडीशन इट इज मोर देन 40%। तो अगर मोर देन 40% है तो इसका पी कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स। फर्स्ट प्लान जो हमारा डेप्ट वाला प्लान है उसमें जो पी रेशियो है वो 10 से डाउन होके कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स। और जो एडिशनल फंड हम डेप्ट से रेज कर रहे हैं 5 लाख, उसकी इंटरेस्ट रेट कितनी होगी? 12%। क्लियर है? इसमें अगर हमें एक वर्किंग नोट और दे दें, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो देखिए अभी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 15 लाख। हम डेप्ट से रेज करें या इक्विटी से रेज करें, 5 लाख और रेज करने हैं तो टोटल कैपिटल आपकी 20 लाख हो जाएगी, और सेम रेट से ये क्या करेगी? अर्न करेगी, तो आपकी ईबीआईटी हो जाएगी 20 लाख का 20%, तो ये आपका हो गया 4 लाख। ये आपकी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी हो गई भाई, ठीक, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी। और चाहो तो 5 लाख का 20% कैलकुलेट कर लो, तो 5 लाख का 20% 1 लाख होगा, तो 3 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 4 लाख। तो इसने देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, फर्स्ट प्लान डेप्ट का है और सेकंड प्लान आपका इक्विटी का है। दोनों केस में ईबीआईटी 4 लाख, इंटरेस्ट माइनस करें एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट दोनों में आएगा, चाहे डेप्ट से रेज करो चाहे इक्विटी से, 50,000 क्वेश्चन में गिवन है। अब जो इंटरेस्ट ऑन न्यू डेप्ट होगा वो केवल डेप्ट वाले प्लान में आएगा, इंटरेस्ट ऑन जो न्यू डेप्ट है वो केवल डेप्ट वाले प्लान में आएगा, और उसकी रेट ऑफ रिटर्न 12% होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 12%। तो अगर 12% से ले 5 लाख का 60,000, यहां पर कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं, ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दिया, ईएटी आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर आप डेप्ट से रेज कर रहे हो 25,000 रहेंगे, और अगर आप इक्विटी से रेज कर रहे हो 35,000 रहेंगे। क्यों? ये हमने वर्किंग नोट में भी शो कर दिया, 10,000 हमको एडिशनल शेयर इश्यू करने पड़ेंगे प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, डिवाइड किया ईपीएस आ गया, पी रेशो यहां पर 8 रहेगा और यहां पर 10, और मल्टीप्लाई किया एमपीएस आ गया। अगर मल्टीप्लाई किया तो एमपीएस आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कौन से प्लान को प्रीफर करोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ऑल्दो ईपीएस फर्स्ट प्लान का हायर है लेकिन एमपीएस सेकंड प्लान का हायर है, तो हम एमपीएस के बेस पे सेलेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, शेयर की मार्केट प्राइस इस प्लान में इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। हालांकि क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा, लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको ये बताना होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लीवरेज का क्वेश्चन है, और अगर आप आईसीआई में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नंबर 4 देखो वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फिगर चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। तो इसकी तो आपको क्लास में भी काफी प्रैक्टिस करवाई है मैंने, आपको उस समय एलडीआर भी लिखवाया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखवाया था, इसको लिखवाया था, इसके पहले जो हमने किया इलस्ट्रेशन 14 उसको भी मैंने आपको एलडीआर मार्क करवाया था, जब क्लास में हमने स्टडी करी थी, जब क्लास हमारी चल रही थी जहां पर हमने डिटेल में स्टडी करी थी उस समय भी मैंने आपको इसको एलडीआर मार्क करवाया था। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 कंसिस्टेड एज फॉलोस। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 100 ईच है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे भाई। 20 लाख को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 लाख को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 10% डिबेंचर 100 ईच, ये भी 20 लाख के, तो अगर 20 लाख का अगर इंटरेस्ट की बात करें और अगर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो गए 20 लाख, और इसको डिवाइड कर दो आप 100 से तो आपके कितने शेयर हो गए? 20,000 शेयर्स, ये आपके हो गए 20,000 शेयर्स। इंटरेस्ट 20 लाख का 10%, 2 लाख,
ये कह रहे ड्यूरिंग ईयर 21-22 सेल्स डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट्स एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में हमारी सेल्स 1,20,000 यूनिट्स थी, जो करंट ईयर 21-22 में डिक्रीज होके कितनी हो गई 1 लाख। हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड 15 पर यूनिट सेम है भाई, एंड वेरिएबल कॉस्ट 10% पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर्स। तो देखिए सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर में 1,20,000 और करंट ईयर में 1 लाख, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स आ जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पर एनम, जब दिया हुआ है पर एनम तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट 2 लाख माइनस कर देंगे तो दोनों ईयर में ईबीटी आ जाएगा, और टैक्स को माइनस कर देंगे तो दोनों ईयर में ईएटी आ जाएगा। तो आई थिंक इस इनकम स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैक्स रेट आपकी 30% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कोई दिक्कत नहीं है दोनों के केस में, ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों के केस में। ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का ये मतलब है कि आपको दोनों लेवल पे ईपीएस कैलकुलेट करना है, उसका डिफरेंस लेना है कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और उसको प्रीवियस ईयर के ईपीएस से डिवाइड करके आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात है नहीं जिसको मुझे डिस्कस करना पड़े। एक बार हम फटाफट इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये 1,20,000 यूनिट्स और ये 1 लाख यूनिट्स हमने मल्टीप्लाई किया 15 से, तो 1,20,000 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया तो 18 लाख इसकी सेल्स आ गई और 15 लाख इसकी सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज थी, यहां पर 12 लाख हो गया, यहां पर आपका कितना हो गया 10, क्योंकि आपकी 10 रुपीज पर यूनिट है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10 रुपीज है। तो 1,20,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 लाख आ गया, यहां पर 1 लाख को करोगे। इसमें कोई डियर स्टूडेंट्स इतनी तो आपकी प्रैक्टिस है, एग्जाम देने जा रहे हो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट 2 लाख माइनस कर दिया ईबीटी आ गया, टैक्स को माइनस कर दिया ईएटी आ गया, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दोनों केस में, ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कुछ स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री वर्ड काम में ले रखा है तो हम परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला लगाएं। डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपसे ओएल पूछे या डीओएल पूछे, एफएल पूछे या डीएफएल पूछे, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही फार्मूला आपको काम में लेना है। तो अगर इसमें फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रहा है तो हमें ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और यहां पर अगर हमारे को ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ रहा है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अर्निंग पर शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लेवल पे ईएटी हमको गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, तो डिवाइड करने पर आपकी ईपीएस आ जाएगी। यहां पर 7 आ रहा है, यहां पर 3.5 आ रहा है, तो 7 में से 3.5 माइनस किया तो 3.5 रुपीज पर शेयर से अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया, और उसको इस प्रीवियस लेवल यानी 1,20,000 यूनिट्स के लेवल से यानी अगर 7 से डिवाइड कर दें तो ये आपका डिक्रीज इन ईपीएस कितना आ गया 50%। आपका जो परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस है वो आपका कितना आ गया 50%। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें 5, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है, और अगर आप आईसीआई मॉड्यूल में देखो तो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीआई मॉड्यूल में सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल का देखो, प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, लगभग सारे क्वेश्चन ही मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं कि वो बेसिकली कहां पर है। देखिए ये कह रहा है पीक्यूआर लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाई ए न्यू मशीन विच वुड हैव ए यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years एट ए कॉस्ट 40 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू 5 लाख विथ 80% ऑफ द कॉस्ट बींग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यार अगर 80% स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब जीरो डेट पे, कहां पर दे रहा है जीरो डेट पे, तो ये जीरो डेट पे जो पेमेंट कर रहा है ये
40 लाख का 80%, यानी 32 लाख हो गए, एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 40 लाख का 20%, ये आपकी आउटफ्लो की सिचुएशन हो गई। यानी जो इसकी कॉस्ट है 40 लाख, इसका 80% ये बिगनिंग में ही कर रहा है, तो बिगनिंग तो आज ही हो गई, टुडे हो गया, तो जीरो डेट पे 32 लाख और बाकी के 8 लाख आपका कब कर रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में। द मशीन वुड प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट विथ एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 400 पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 375 पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं भाई, ये आपको अच्छी तरह से पता है, कॉस्टिंग में भी पढ़ के आए हो। और जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और अगर रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो COGS होती है। कई बार क्वेश्चन में COGS नहीं दी हुई होती लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई होती है, तो अगर डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई होती है तो आपकी क्या होती है, COGS। चलिए तो यहां पर अगर 400 में से 375 माइनस कर देंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और अगर 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर ईयर का एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस वुड बी 10,40,000। तो अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो इसकी कॉस्ट 40 लाख है, इसकी स्क्रैप वैल्यू 5 लाख है, और इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें और इसको डिवाइड किससे कर दें, लाइफ इसकी कितनी है प्रोजेक्ट की, 5 ईयर, तो डेप्रिसिएशन 7 लाख हो गया भाई, आपका डेप्रिसिएशन 7 लाख हो गया। तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपका अदर देन डेप्रिसिएशन कितना हो गया, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो अदर देन डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,40,000 में से ये माइनस करना पड़ेगा। तो 10,40,000 में से अगर ये माइनस कर दिया तो ये आपकी रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट आ जाएगी अदर देन डेप्रिसिएशन। इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई स्पेशल सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे जिस कॉस्ट में शामिल नहीं है, वुड बी इनकर्ड। ये आपको अमाउंट दे दी, हम माइनस कर देंगे कैश फ्लो निकालने के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपकी अमाउंट है 1,25,000 और सेकेंड ईयर में 1,75,000। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट यूजिंग एनपीवी मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्राइजर अज्यूमिंग कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। डियर स्टूडेंट, आप लोग नवंबर में एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है, जब इस क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन इरेलेवेंट हो गया, क्योंकि जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन का रोल होता है वो डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे जो टैक्स सेविंग होती है वही तो हमारा इनफ्लो होता है। तो अब यहां पर न हमें डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत और न ऐड करने की जरूरत, डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि कंपनी टैक्स फ्री कंपनी है, जीरो टैक्स कंपनी है, कहीं पर भी हमको टैक्स का ना तो कोई हिंट दे रखा और नहीं कोई टैक्स रेट दे रखी। ये सिमिलर क्वेश्चन आपके ICAI मॉड्यूल में भी है जो क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो अपन डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं है जो स्पेशल अटेंशन मेरे को आपको देना पड़े, ये सब कुछ डिस्कस्ड है। देखिए आपके कैश फ्लो कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे और 12% से डिस्काउंट करके एनपीवी निकालेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आती है प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव आती है प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। देखिए कंट्रीब्यूशन ये वही आ गया, पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस डायरेक्ट कॉस्ट और उसको 80,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन 20 लाख आ गया। ऐसे ही 10,40,000 में से इसने डेप्रिसिएशन 7 लाख माइनस कर दिया, तो अगर 10,40,000 में से 7 लाख माइनस कर देगा तो ये आपका 3,40,000 अदर देन डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट आ गई। डेप्रिसिएशन को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स रेट गिवन नहीं है, कंपनी टैक्स फ्री कंपनी है, कंपनी जीरो टैक्स कंपनी है, इस कारण से हम डेप्रिसिएशन को कहीं पर भी कंसिडर नहीं कर रहे। डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो अपने आप में बड़ा क्लियर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जीरो ईयर में 32 लाख कॉस्ट और फर्स्ट ईयर में 8 लाख की कॉस्ट का पेमेंट होगा,
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एवरी ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, एवरी ईयर फिक्स कॉस्ट आ गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमारा सेल्स प्रमोशन का, सेल्स प्रमोशन का एक्सपेंसेस आ गया, और फिफ्थ ईयर में जो सेल्वेज वैल्यू है, ये टर्मिनल कैश इनफ्लो है, फिफ्थ ईयर में जो सेल्वेज वैल्यू बचेगी एसेट की, वो हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो है। तो ये दोनों तो आपके आउटफ्लो हो गए, और फिफ्थ ईयर में जो मशीन की सेल्वेज वैल्यू है, जो मशीन की सेल्वेज वैल्यू है, वो हमारा टर्मिनल कैश इनफ्लो है, तो ये प्लस होगा। और इधर देखिए, ये जीरो डेट में 32 लाख हो गया, फर्स्ट ईयर में ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, इन सबका नेट आ गया भाई। लास्ट ईयर में ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपके देखिए ये जीरो से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके कैश फ्लोज आ गए, जीरो ईयर से लेके 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके कैश फ्लोज आ गए, और ये 12% से हमने एनपीवी कैलकुलेट कर दी। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कंफ्यूजन डेप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, तो डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक्स रेट गिवन नहीं है। हाँ, अगर टैक्स रेट गिवन होती तो हम इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस करते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता, या फिर एक काम करते, डेप्रिसिएशन को यहां से हटा के ले लेते और डेप्रिसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी टैक्स सेविंग को अपन इनफ्लो लेते और फिर नेट इनफ्लो कैलकुलेट करते। ये सब चीजें आपको से क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, नेट कैश फ्लोज हो गए, डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, नहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 1/1+r हम करके देख लेते हैं। जीरो डेट पे 1 होता है, फर्स्ट ईयर में 1/1.12, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 एंड 0.567 मल्टीप्लाई करके एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पूछ रहा है प्रोजेक्ट सेलेक्ट और रिजेक्ट करना है तो आपकी एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का है भाई, जो आपके चैप्टर 10 की यूनिट 4 है उसका क्वेश्चन है। और आपको पता है आईसीआई मॉड्यूल में जो वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन है वो आपके 6 यूनिट के पीछे दिए हुए हैं। ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 12 है उसके सिमिलर है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 आपके जो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मोर और लेस उसके सिमिलर है। देखते हैं ये क्या कह रहा है। ए रेगुलर कस्टमर ऑफ योर कंपनी हैज अप्रोच यू फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल इमर्जेस। 30 डेज में 20% आ जाता है, 60 डेज में 30% आ जाता है, 90 डेज में 30% आ जाता है, और 100 डेज में 18%। इसका मतलब 2% बैड डेट्स होते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो अपन सेगमेंट में करेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। यानी जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगी उसको 20% कैलकुलेट करेंगे, उस पर 30 डेज की कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगी उसके 30% पे 60 डेज का कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगी उसके 30% पे 90 डेज का कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगी उसके 18% पे 100 डेज का कैलकुलेट करेंगे, और 2% हमारा बैड डेट्स हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने में माइनस हो जाएगा। आगे कह रहा है द कस्टमर वांट्स टू एंटर इनटू ए फर्म कमिटमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 40 लाख इन 2022, डिलीवरीज टू बी मेड इन द इक्वल क्वांटिटीज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर, द प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटीज 400 ऑन विच ए प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी मेड। इधर देखिए, अगर अपन नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें, इधर देखिए मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो आपकी जो टोटल सेल्स है वो 40 लाख है और जो सेलिंग प्राइस है वो 400 है, तो ये लीजिए अगर हम इसको कर दें तो आपकी 10,000 यूनिट्स,
10,000 यूनिट्स, यानी कितनी हुई है 10,000 यूनिट्स। दूसरा प्रॉफिट 20 पर यूनिट है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 400 में से 20 माइनस कर देंगे तो रुपीज 380 पर यूनिट, क्योंकि उसका कारण है जो चीज पर यूनिट है वो वेरिएबल है और क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड, इट इज एंटीसिपेटेड दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 पर एनम। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो एवरी ईयर रेकरिंग एक्सपेंसेस होंगे 20,000, तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो ईच एंड एवरी ईयर आपको 20,000 के एक्स्ट्रा क्या करने पड़ेंगे, इनकर्ड करने पड़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट के अलावा। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 18% पर एनम, वुड यू एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी रिकमेंड द ग्रांट ऑफ क्रेडिट टू कस्टमर अज्यूम 1 ईयर। आंसर बिल्कुल सिंपल है भाई, आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल लो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, 40 लाख की सेल्स, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे 380 से और रेकरिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे और 2% बैड डेट्स को माइनस कर देंगे, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। यानी जो सेल्स है, हमारी जो सेल्स है क्रेडिट सेल्स है वो 40 लाख की है, कितनी यूनिट है 10,000, इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 380 को 10,000 से मल्टीप्लाई करके, इसके अलावा रेकरिंग कॉस्ट ईच ईयर जो इनकर्ड होगी उसको माइनस करेंगे और 2% बैड डेट्स को माइनस कर देंगे सेल्स का, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम अलग अलग निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी और प्लस रेकरिंग एक्सपेंसेज होंगे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और आखिर में नेट बेनिफिट कैलकुलेट करके हम डिसीजन लेंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको एडिशनल बताना पड़े, क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है और मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दिया कि जो ICAI मॉड्यूल है उसमें सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर का मतलब फिगर अलग हो सकते हैं बट सिमिलर नेचर का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो एक बार हम इसके सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं भाई। इधर देखिए, सबसे पहले इसने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला, जैसा कि हम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल में करते हैं, क्रेडिट सेल्स 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 को 380 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेकरिंग कॉस्ट 20,000 और जो बैड डेट्स है, ये जो बैड डेट्स है आपका ये 40 लाख का 2%, 40 लाख का 2% 80,000 हो गया, तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है ये 38,20,000 है भाई, आपकी 38,20,000 टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है, इसके ऊपर हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए 38,20,000, इसका पहले निकाल लीजिए 20%, तो 7,64,000 आ गया, फिर 38,20,000 का 30% कैलकुलेट कर लीजिए 11,46,000, यहां पर भी 30% है 11,46,000 और 38,20,000 का आप 18% कैलकुलेट करिए 6,87,600। आपको पता है ये 30 डेज में कलेक्ट होंगे, ये 60 डेज में कलेक्ट होंगे, ये 90 डेज में कलेक्ट होंगे और ये आपके 100 डेज में कलेक्ट होंगे, तो इनसे मल्टीप्लाई करके अगर हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और अगर उसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले इसने 20% 30% 30% 18% ये 38,20,000, जो बाकी के 2% है वो तो बैड डेट्स है भाई, और बैड डेट्स को हमने डायरेक्ट यहां पर माइनस कर दिया, और वैसे भी बैड डेट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस ये सब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स में इंक्लूड होते भी नहीं है, क्योंकि ये सब सेल्स करने के बाद इनकर्ड होते हैं, सेल्स के पॉइंट तक इनकर्ड नहीं होते। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट आ गई 131,790, और अगर 131,790 को इसमें से माइनस किया तो नेट बेनिफिट नेगेटिव आ गया, और जब नेट बेनिफिट नेगेटिव आ गया तो अपन कहेंगे नहीं भाई, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, इस प्रपोजल को हमको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि रिस्क एनालिसिस वाला, ये तो आपका जो चैप्टर है इसका इलस्ट्रेशन है भैया, आपका जो चैप्टर है इसका इलस्ट्रेशन 5 है, आपका जो आईसीए मॉड्यूल है इसका इलस्ट्रेशन 5 है, तो इसमें तो कोई डिस्कस करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलिए फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 200 लाख इन ए प्रोजेक्ट, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, रिस्क प्रीमियम आपको एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट 7%, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर्स, फॉलोइंग आर द कैश फ्लोस दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके 1, 2, 3, 4, 5 लैक्स में है। कैलकुलेट एनपीवी रिस्क फ्री रेट पे और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे। दोस्तों ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है शायद इस आरटीपी का, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके मॉड्यूल में एज इट इज इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 5, फिगर अलग हो सकते हैं पर मोर और लेस, बल्कि एग्जैक्ट ऐसा कैसा इलस्ट्रेशन है। तो एक बार हमारे को रिस्क फ्री रेट यानी 7% से एनपीवी निकालनी है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो रिस्क एडजस्टेड रेट होती है वो रिस्क फ्री रेट और प्लस रिस्क का प्रीमियम, यानी ये मेथड इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्की प्रोजेक्ट से हाई रिटर्न डिमांड करेंगे और जो लोअर रिस्की प्रोजेक्ट है उससे लोअर रिटर्न डिमांड करेंगे। तो इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार 7% ये कैश फ्लो है, 7% के पीवी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख को माइनस कर दीजिए या इसको जीरो डेट में ले लीजिए, ब्रैकेट में एक ही बात है। और फिर हमको आरएडीआर शो करना पड़ेगा, जो रिस्क एडजस्टेड रेट है वो रिस्क फ्री रेट 7% है और प्लस रिस्क का प्रीमियम कितना है 7%। हो सकता है आपको ये डायरेक्ट नहीं देके आपको रिस्क का प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़े, और अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला देखा था आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, जो बीटा होता है वो रिस्क का इंडेक्स होता है भाई। तो हो सकता है रिस्क का प्रीमियम इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दे दिया लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़े। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए, एज इट इज इलस्ट्रेशन है और कोई खास टेक्निकल बात इस क्वेश्चन में नहीं है। एक बार रिस्क फ्री रेट से आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये बिल्कुल नया है, थोड़ा इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए, ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, ऐसा मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपके आईसीए मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ, इसको एक बार आप जरूर देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एचएम लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज करंटली बीन इवेल्युएटेड बाय मिस्टर ए ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, मिस्टर ए कलेक्टेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द कंपनी जनरली गिव्स क्वार्टरली, यहां इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड क्वार्टरली है भैया और हमारे को डिविडेंड पूरे साल का चाहिए। देखिए इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना शुरू होता है, द कंपनी जनरली गिव्स ए क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड 2.5 पर शेयर इज द लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर, ये लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड है भाई। तो यार एक बात तो अगर क्वार्टरली देती होगी तो पूरा डिविडेंड कितना हो गया 2.5 × 4, ये आपका 10 रुपीज हो गया, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, ठीक है। अब क्वार्टरली वर्ड बोल रहा है इसका हर क्वार्टर में देती है। आगे देखते हैं, अब ये लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो इसके बेस पे D0 निकलेगा भाई, D1 नहीं निकलेगा, इसके बेस पे D0 निकलेगा, D1 नहीं निकलेगा, क्योंकि लास्ट D1 जो आपका एक्सपेक्टेड होता है आपके फ्यूचर का होता है। आगे कह रहा है द कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाई 20% ऑन लास्ट ऑन ए 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस, हाउएवर द कंपनी एक्सपेक्ट फॉलोइंग रिटेंशन अमाउंट अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज मेंशनड एज कंटेंशन इज डिपेंडेंट अपॉन द कैश रिक्वायरमेंट। तो भैया रिटेंशन कितना रखना है, कितना डिविडेंड पे करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी की कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% रेट जनरेटेड बाय द कंपनी, तो ये आपको आर दे दिया 10%, कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है तो कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बोलते हैं भाई, यानी क्वेश्चन में आपको आर दे दिया। फिर आपको ये देखिए ये जो सिचुएशन है, 3 सिचुएशन ABC प्रोबेबिलिटी दे दी और रिटेंशन रेशियो दे दिया। तो अगर आप बेसिकली यहां पर हमको एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना अब तक तो बी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर हम एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट करें
तो बेसिकली इधर देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, इधर देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 0.15, ये 0.24 और ये 0.15, ये आपका हो गया भाई। इनको ऐड कर लेंगे तो ये एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो आ जाएगा। करंट रिस्क फ्री रेट 3.75, तो हमें केई कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेटा इधर देखो, केई आपकी रिस्क फ्री रेट 3.75, बीटा 1.2 और रिस्क का प्रीमियम डायरेक्ट दे दिया इनटू 4.25। आपको रिस्क का प्रीमियम डायरेक्ट दे दिया, तो अगर रिस्क का प्रीमियम डायरेक्ट दे दिया तो हम इसको आरएम माइनस आरएफ इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर ए इन कैलकुलेटिंग द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गोर्डन्स मॉडल। तो आपको भी पता है जो गोर्डन का मॉडल होता है, जो गोर्डन का जो मॉडल होता है उससे जो पी जीरो निकलेगा वो निकलेगा D1 अपॉन के माइनस जी। तो यहां पर बेसिकली के तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब ये जो जी निकलेगा, ये जी निकलेगा बी इंटू आर, यानी रिटेंशन रेशियो इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी की आर 10% दी हुई है और जो एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो है ये इसका टोटल होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितना रिटेन करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैश की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है, उसके बेस पे है। तो बेसिकली ये आपका रिटेंशन रेशियो यहां से कैलकुलेट होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, फिर क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डी जीरो 1+G के माइनस जी हो गया, तो डी जीरो 2.5 × 4 आपका हो गया N1, जी बी इंटू आर। अब इसमें एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो कैलकुलेट किया, तो एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो इसने वैसे ही कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है। आपको पता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू या जो एवरेज वैल्यू आती है वो प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिटेंशन रेशियो 0.54 आ गया। और आपकी ये बी आ गया, आर कितना है 10%, 10% है ना, तो बी इंटू आर ये आपकी आ गई 5.4%। अब तो क्वेश्चन ही हो गया भाई, आपकी ग्रोथ रेट 5.4% है, तो आपका 10 डिविडेंड है, इसको 5.4% से ऐड कर देंगे तो D1 आ जाएगा, के हम कैलकुलेट कर लेंगे CAPM अप्रोच से, और जी आपकी आ गई 5.4%। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये के इसने कैलकुलेट करके दे रखी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज एक आप इसको ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इसमें जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्वार्टरली है, 2.5 क्वार्टरली है भाई, डिविडेंड एनुअली नहीं है। जब डिविडेंड क्वार्टरली है तो इसको एनुअली में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये D0 या D1, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, डिक्लेयर्ड बोल रहा है, तो अगर डिक्लेयर्ड बोल रहा है तो ये D0 है, ये D1 नहीं है। तो D1 कैलकुलेट करने के लिए, D1 कैलकुलेट करने के लिए हम D0 और 1+G ये हमको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इजी है भाई, इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख कर जाए, इस कंसेप्ट को आप जरूर देख कर जाए। और ये आखिरी आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी आपका जो ICI मॉड्यूल है उसका क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन है भाई, जो ICI मॉड्यूल है उसका क्वेश्चन नंबर 3rd है। इसमें रेशो और वर्किंग कैपिटल दोनों है। इसमें खास बात यह है कि जब इसने वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाया तो डेटर्स को इसने सेल्स वैल्यू पे लिया, कॉस्ट वैल्यू पे नहीं लिया। बैलेंस शीट हमने बनाई, बैलेंस शीट देखिए इसने एज पर शेड्यूल 3rd बनाई है। हालांकि जो अदर क्वेश्चन है आपके वर्किंग कैपिटल के आप देखेंगे उसमें बैलेंस शीट का ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमको बैलेंस शीट इसी तरह से बनानी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये तो रेशियोज का क्वेश्चन है भाई, इसमें कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3rd है, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स एंड रेशियोज। सेल्स दे दी आपको 1.5 करोड़, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया, तो बेटा लोगों COGS तो निकल जाएगा। अगर GP रेशियो 35% है, अगर GP रेशियो 35% है तो COGS इसका 65% हो जाएगा। अगर हम बात करें ये 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है,
इसका 65%, ये आपका क्या निकल जाएगा, जीपी, फिक्स एसेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1.5 टाइम्स है, टोटल फिक्स एसेट निकल जाएगी सीओजीएस आने के बाद, स्टॉक निकल जाएगा, अरे अगर हम सीओजीएस को 6 से डिवाइड कर देंगे तो इन्वेंट्री आ जाएगा, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉक निकालने के बाद हम करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टॉक निकलने के बाद हम करंट एसेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये 2.5 करंट रेशियो है, और अगर इसमें से लिक्विड रेशियो को माइनस कर दें तो आपको पता है करंट एसेट और लिक्विड एसेट में स्टॉक का ही फर्क होता है, तो ये 1 आ गया, यानी अगर स्टॉक 1 है तो करंट एसेट कितनी है 2.5, तो जो भी स्टॉक है अगर हम उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट एसेट आ जाएगी, आपकी टोटल करंट एसेट कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड 1 दे रखा है, इससे रिसीवेबल आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, जो नेटवर्थ आएगी उसको अपन 1/2.5 और 1.5/2.5, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो ये बताता है कि फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल के बीच में क्या प्रपोर्शन है। फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल में हम डेप्ट लेते हैं और एक प्रिफरेंस शेयर लेते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रिफरेंस शेयर कहीं भी नहीं दिख रहा, तो जो कैपिटल गियरिंग रेशियो से हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जो फिगर फाइंड आउट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा, उसमें हम प्रिफरेंस शेयर को नहीं मानेंगे। और वैसे भी रेशियोज में क्लास में भी मैंने आपको बताया, मॉड्यूल में भी कई जगह ये लिखा हुआ है कि रेशियोज में जो फिगर कैलकुलेट होंगी वो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी। फिक्स एसेट से नेटवर्थ निकल जाएगी, क्योंकि फिक्स एसेट किससे निकल जाएगी, सीओजीएस से। अब बताइए बैलेंस शीट चाहता है और आपको वर्किंग कैपिटल चाहता है, ठीक है, और ये प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी चाहता है नेट वर्किंग कैपिटल पे। तो देखिए अगर अपन इसको देखें तो ये कहीं पर कोई टिपिकल मामला नहीं है, सोल्ड क्वेश्चन है, सोल्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाए हुए हैं, इसमें कहीं पर भी कोई नई चीज है ही नहीं जो यहां पर डिस्कस करें। आईसीए मॉड्यूल में एज इट इज क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए सीओजीएस निकल गई, सेल्स में से 35% जीपी माइनस कर दिया तो ये आपकी सीओजीएस आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, सीओजीएस को किससे डिवाइड कर दिया, 6, आपको टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फिक्स एसेट निकल गई, क्योंकि सीओजीएस टू फिक्स एसेट 1.5 दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिक्स एसेट, ठीक, तो आपको कितना दिया हुआ है 1.5, तो इससे आपकी ये फिक्स एसेट निकल गई। करंट एसेट जो मैंने आपको बताई, अरे भाई 2.5 और इसका डिफरेंस 1 है, तो अगर स्टॉक 1 है तो करंट एसेट 2.5 है, तो अगर आपका स्टॉक 11,37,500 है तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते ही ये आपकी टोटल करंट एसेट आ गई। इस करंट एसेट में से यदि हम स्टॉक को माइनस कर दें तो आपकी टोटल लिक्विड एसेट आ गई। हमने रिसीवेबल्स के कलेक्शन पीरियड से डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, और अगर लिक्विड एसेट में से डेटर्स को कम कर देंगे तो आपका कैश आ जाएगा, क्योंकि जो क्विक एसेट जिसको हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, तो अगर हम बेसिकली स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद टोटल करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस कर दिया तो आपकी टोटल क्विक एसेट आ गई, ये लिक्विड एसेट आ गई। जो आपका कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है उससे डेटर्स निकल जाएंगे, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट में से डेटर्स को माइनस कर देंगे तो आपका कैश आ जाएगा। तो आपकी 3 आपकी फिगर हो गई करंट एसेट में, कैश हो गया, डेटर्स हो गया और स्टॉक हो गया। फिक्स एसेट और नेटवर्थ का रेशियो आपको दिया हुआ है, इससे नेटवर्थ निकल जाएगी। नेट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का 1:1.5, तो 1/2.5 रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगी, और इसमें से अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस कर दें तो आपकी शेयर कैपिटल आ जाएगी। ऐसे कैलकुलेट नहीं करो तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई और 2.5 से डिवाइड कर दो। करंट लायबिलिटी करंट रेशियो से निकल जाएगी, क्योंकि करंट एसेट तुमने कैलकुलेट कर ली, करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इसमें आगे चले तो जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कैपिटल गियरिंग रेशियो से निकलेगा। आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है, और कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल। ये रेशियो एनालिसिस में मैंने आपको नोट करवाया था,
फिक्स्ड कॉस्ट वाली कैपिटल में डेब्ट होता है, डिवेंचर होते हैं, अदर बोरोड फंड होते हैं, और एक आपका प्रिफरेंस शेयर कैपिटल होता है। तो गिवन क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कहीं दिख नहीं रहा, तो इससे जो अदर फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट ही है, तो इसलिए इसने फार्मूले को काम में ले लिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ या शेयर होल्डर्स फंड, तो इससे आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल जाएगा। और ये बेटा लोगों, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। शेयर कैपिटल ये रही, रिजर्व एंड सरप्लस रहा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये करंट लायबिलिटी, इधर फिक्स एसेट आ गई, स्टॉक आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट एसेट एज इट इज ने यहां से ले ली और करंट लायबिलिटी ले ली, माइनस हो गया। अब बेसिकली ये 14% नेट वर्किंग कैपिटल का चाहता है, तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और इसका जो 14% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम पास में है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में ये आरटीपी डिस्कस करने की कोशिश करी, क्योंकि इस आरटीपी में 95% से ज्यादा क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा सा फर्स्ट छोड़ दो और ये जो आपका गोल्डन्स मॉडल का छोड़ दो, सारे क्वेश्चन एज इट इज आपकी मॉड्यूल ये वीएसआई बुक में कवर है, जो हमने क्लास में बहुत डिटेल में विद कंसेप्ट डिस्कस करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीएसआई के आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके या वीएसआई पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं सब आपको एडवांस में आपके लिए बेस्ट विशेष देता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, क्योंकि इसके बाद सिलेबस चेंज हो रहा है और आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट पे कोई नया चीज करने की जरूरत नहीं है, जो आता है उसको ढंग से करिए, प्लानिंग से चलिए। हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि कोई भी एक को ओवरवेट और एक को अंडरवेट नहीं देना, दुनिया में जो बेस्ट होता है ना वो बैलेंस्ड होता है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि किसी सब्जेक्ट में 99 और किसी सब्जेक्ट में 29, एक बैलेंस आपको स्टडी करनी है। एडवांस में आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष, आई होप आप सब लोग बहुत ढंग से इसको रिवाइज करके अच्छे मार्क्स लाएंगे और ये आपके लिए यूजफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच, माई सेल्फ सी ए विनय शर्मा फ्रॉम वीएसआई।